नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर लीजिए, पहली बार आए चैनल को ज्वाइन कर लें और कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं अंत तक देखने के बाद। ओके, आदि न देखें, दो तीन बार वीडियो देख लेना, कल्याण मस्तु। तो देखिएगा, हम लोग पिछली क्लास में आप लोगों की श्चुत संधि और अष्टुत संधि को कवर कर चुके हैं। ये आपकी जसत संधि और जसत संधि कौन सी है, पदांत संधि, दो की चर्चा की थी, पदांत अपदांत। तो इसका सूत्र है झलाम जसवंती। अंतर क्या होता है कि ये कहता है कि झल प्रत्यार में आने वाले वर्णों को जस होता है, ठीक है, यानी झल प्रत्यार में आने वालों को जो भी वर्ण होंगे उनको जबगढ़ द होगा। अब कैसे होगा, तो कुछ चीजें हमने चुनिंदा की हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पर डिटेल में बताना चाहूंगा, ठीक, जिससे कि उसके बाद सिंपल तरीके भी कराऊंगा। तो दो फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उसको ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अब भाई झल क्या है, झल एक प्रत्यार, जस क्या है, जस एक प्रत्यार। अब झल में बहुत से वर्ण आएंगे, किन किन को जस हो, अंतर यह है कि किन किन को जस हो, तो यहां पर देखिएगा हम चर्चा करेंगे। जैसे झल प्रत्यार में वर्ण जो आते हैं, तो पहले नंबर पर जो आएगा उसको ध्यान दीजिए, च छ झ और सा, इनको क्या होगा, प्लस से पहले आए तो इनको क्या होता है, ज होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। ये बार ये झल प्रत्यार का रूल है, रूल से इनको फॉलो करिएगा। उसके बाद सिंपल भी बताएंगे, जिससे जहां से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, फा फा बा और भा, ये जो है चार वर्ण, इनको क्या होता है, इनको वा होता, क्या होता, बा होता है, ठीक, जब गढ़ा द, ऐसे हमने पांच वर्ण है। और आपका तीसरा पॉइंट ये है कि का खा, बहुत लोग सिंपल से बता देते हैं, कभी कभी आप खुद फंस जाते हो, ये कैसे होगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। विशेषकर जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका डाउट यहां से क्लियर होगा, ठीक, गा होगा इनको। और चौथा पॉइंट आपका, पांच ही लगेंगे क्योंकि पांच वर्ण हैं, तो टा ठा डा ढा और सा, ठीक, इनको आपको क्या होगा, इन सभी वर्णों को क्या होगा, डा होगा। उदाहरण भी मैं बताऊंगा इसके साथ सामने सामने के। पांचवा आपका है कि टा था ता था दा धा और साय, तो इनको दा होता है। अब कैसे होगा ये देखिए आप, विशेषकर यहां पर सबसे बड़ी चीज है, ठीक, क्योंकि ये यही कहता है कि झल वर्णों को जस होता है, बस और कुछ नहीं होता है। कैसे होगा, तो चलिए पहला ले लेते हैं उदाहरण, अच प्लस अंता, कर लोगे, करिए आप लोग, सामने लिखा सब कुछ, ओके। दूसरा उदाहरण, ठीक है, हाँ, तो दूसरा उदाहरण है, जब जब प्लस तापा, ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, समझिए, और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी अजमाएंगे, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देख प्लस गजा, ठीक, कर लोगे। अब यहां पर क्या आ रहा है, अभी मैं समझा रहा हूं, इसको समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं मिलेंगी, मैं अभी भी कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, ओके, हाँ। टा ठा डा ढा सा आए, तो टा ठा डा ढा सा आए, तो उसको लेकर अगर बात करेंगे, हाँ, इसका चलिए विराट ब्राड, ब्राड प्लस पुरुषा, ठीक, ठीक है, विराट पुरुषा, क्लियर है। उसके बाद इसको ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं बहुत अच्छे से, जगद प्लस ईसा,
ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो मैं बताने वाला हूं उस चीज को विशेष कर दिए। आपने सुना कि झल प्रत्याहार में आने वर्णों को जस होता है, यानी कि जो इसमें वर्ण आएंगे उसको जस होगा। अब किन किन वर्णों को होगा? चाहे चाय, चाहे छाए, चाहे जाए, चाहे झाए, चाहे झाए, इनको जाई होगा। तो यहां क्या आया? चा आया। तो चा को क्या होगा? जा होगा। तो ये क्या बनेगा? अजंता। क्लियर बन गया, इस चा को जा हो गया, अजंता बन गया। इसी प्रकार से यहां वा आया है, तो वा को क्या होगा? वाई रहेगा। ठीक, तो क्या बन गया? जब तपा, जब तपा। ठीक, आगे अन्य उदाहरण दूंगा। ठीक है, यहां देखिए का आया है, तो यहां का है, तो इसको का क्या होगा? गा होगा। तो क्या होगा? दिक गजा, दिक गजा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें टा आया है, तो यहां भी टा है, इसको क्या होगा? डा होगा। तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना सभी को, बिराड। क्या हो जाएगा? बिराड पुरुषा। ठीक, उसके बाद हम इसको यहां लिख देते हैं, यहां क्या है? दा है, तो दा को क्या होगा? दाई रहेगा। तो जगदीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीशा हो जाएगा। दीर्घ संधि मत कर देना, ठीक है, जगत प्लस ईसा जगदीशा कर देते हो, तो ये मूल रूप से ये शुद्ध है जगदीशा। ठीक, अब देखिए अन्य उदाहरण की अगर चर्चा करेंगे पदांत संधि में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए यहां पर विशेषकर, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है? तो सेकंड फॉर्मूला ये है कि तृतीय वर्ण का पहला वर्ण हो जाना, तृतीय वर्ण का पहला वर्ण हो जाना। तो तृतीय वर्ण का ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो ग ज ड द व, इनको क्रम से क्या हो जाना? प्रथम वर्ण, का च ट प। ठीक, ये सिंपल है, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एक एक वर्ड का ले लेते हैं। आप कर लोगे दिक प्लस पाला, दिक प्लस पाला, गा है, क्या हो रहा है? का हो रहा है। ठीक, कर लोगे। सेकंड देख लें, जाको देख लेते हैं, तो जाको चा होता है ना? हाँ, तो जाको चा हो रहा है, तो ध्वज प्लस श्रेष्ठा। क्लियर, तो यहां क्या हुआ? जा को चा हो जाएगा। तीसरा लिख लेते हैं गजड़ा, डाको, तो इसको देख लेते हैं क्या होगा, गजड़ा डा हो जाएगा ना? हाँ, तो इसका विराट प्लस पुरुषा तो हो जाएगा विराट पुरुषा। उसके बाद ये डा को क्या हो गया? टा हो गया। अब बात करते हैं दा, तो दा को क्या होगा? ता होगा। तो देख लेते हैं दा को ता होगा, तो चिद प्लस आनंदा, है ना? चिद प्लस आनंदा, तो चिता, एक मिनट सॉरी, इसको ये नहीं होगा, एक मिनट। यहां पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, चलिए यहां पर दूसरा उदाहरण ये है, सत प्लस चिता। तो कहाँ हो गया? तो हाँ, यहां होगा, एक मिनट,
को इसका 7 प्लस 12 हो जाएगा, ये सही है। तो ता को क्या हो जाएगा, वो सॉरी दा को सत प्लस कारा, तो दा को ता हो जाए, सत्कारा बन जाएगा। अब बचा वा, तो बा का क्या हुआ, तो चलिए तो सुप प्लस अंता सुबंता हो जाएगा। मिनट इसका जो है, हाँ इसका जब होगा, 1 मिनट क्या होगा, जब होगा पीछे लगाया था ना, जब प्लस तपा, तो इसका क्या हो जाएगा, जब तपा, ठीक है, जब तपा सत्कारा और विराट पुरुषा, ठीक, और ये ध्वज ध्वज श्रेष्ठा, ध्वज श्रेष्ठा, और ये आपका हो जाएगा दिग्पाला, क्या हो जाएगा, दिग्पाला, ठीक है। ये आपके नए अन्य उदाहरण है इस तरीके से। अब इसी प्रकार से अगर अन्य की उदाहरण करें तो बागत्र बाक प्लस अत्र, तो बागत्र हो जाएगा आपका, बागीसा हो जाएगा, तो बागीसा में आप क्या करेंगे, दीर्घ संधि नहीं लगाएंगे, व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार दिगंबरा हो जाएगा, कौन सी संधि है, जसत्व संधि है, ओके। इसी प्रकार के कृदंता हो जाएगा, कृत प्लस अंता कृदंता, ओके, क्योंकि आपका यहाँ जो पहला वर्ड होता है तो को यहाँ पे, और इसी में आपका जो है सुबंता आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमने उदाहरण दिए थे, सुबंता आ जाएगा, ठीक है। और इसी में अब्जम आ जाएगा, क्योंकि पिछले जो हमने अभी बताया था यहाँ पर, तो ये वर्ड सभी फॉलो करते हैं इन सभी उदाहरणों में, तो उदाहरण जरूर ये सभी लोग लिख लीजिएगा, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सड़ानन हो जाएगा, सट प्लस आनन सड़ानन हो जाएगा, ओके, समझ गए। ये चीज क्या इसमें थी, ये सभी सभी किसमें थे, पदांत में। अब अपदांत क्या है उन चीजों को देखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर लेकर चर्चा करते हैं, ये क्लियर है, सभी नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। हाँ अब देखिए अपदांत क्या है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, अपदांत जसत्व संधि, ठीक है। झलों को जस होता, झस परे रहते, तीन बार दिया है कि पहले ये आएगा, ये प्लस में आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक, जस होता है तो जस होगा बीच में, झल प्रत्यार के अभी बाढ़ बताए थे वो आएंगे, और झस के बाद में आएंगे तो होगा, ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर है, ओके। हाँ ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अगर बात करें तो हम एक थोड़ा आगे लेके चलेंगे कि जो सारणी मैंने अभी बनाई थी उसको ही फॉलो करिएगा, कि ये झल है और ये जस है, सॉरी जगह बहुत कम हो गई, तो ये झल है और ये जस है, ठीक। अभी जिस तरीके से साड़ी बनाई थी तो आपने देखा था कि का खा गा घा और हा इत्यादि चीजें आ रही थी, इन चीजों को हो रहा था, ठीक है। हाँ उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आदेश होगा, तो चा छा जा झा सा, सभी वर्ण हलंत होंगे, ये आप लोग लगा लीजिएगा, ओके ठीक। उसके बाद अगर चर्चा करें टा ठा डा ढा और सा, ये आएंगे। उसके बाद चर्चा करें तो ता था दा धा और सा आएगा। तो इसकी आगे हम उदाहरण इसी में सीधे लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको आपको समझ में आएगा, पाफा बा भा, ओके ये।
अब देखिए इनको क्रम से वही होता है, क्या होता है, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। ठीक, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहां पर एक सूत्र है स्थानीय अंतरतमा की सहायता से उच्चारण की दृष्टि से यहां पर कुछ चीजें बदलती हैं, चेंज होती हैं। तो कुल मूल रूप से अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा जो मेन मैन है आपके उदाहरण है उन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ कौन सी, तो देख लीजिएगा पहला उदाहरण अगर हम लेंगे तो उसको देखिएगा, क्रोध, क्रोध प्लस धा। ठीक है, तो ये जो धा है वो किसमें है, ये रा। ठीक, इस धा को क्या होगा, दा हो जाएगा, दा हो गया। यहां क्या बचा, क्रोध प्लस धा, दा मिलेगा, धा मिलेगा दा से, तो क्या बन जाएगा, क्रोध धा। ठीक, इसी प्रकार से आपका शुद्धा, ये उदाहरण लिख लेना, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका योद्धा, युद्ध प्लस धा योद्धा। ओके, इसी प्रकार से रोराधि, जहां भी दा आएगा वहां डबल धा कर दीजिएगा, दा की जगह धा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका बोधा, जो उदाहरण बन सकते हैं उनको हमने चर्चा किया है यहां पर। इसी प्रकार से वृद्धि, इनमें जो भी है अपदांत जसत्व संधि है, किस सूत्र से, झलाम जस जस सूत्र से। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से शुद्धा, तो अन्य उदाहरण ज्यादा बनते नहीं, जो भी बने हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको मैंने यहां पर आपको ले लिया है। अब एक दूसरा यहां पर उदाहरण मैं लेता हूं, समझ रहना, मोस्टली इंपोर्टेंट, आप लोग इस पर बहुत बार चर्चा भी करते हैं, लव प्लस धा। ठीक, भा कहां रहा, ये आ रहा, भा रहा है, तो इस भाग, सॉरी भा रहा है, इस भा को बा हो जाएगा, तो लव धा, तो लव धातु से तभी तो लवद्वा बनता है, अक्ता प्रत्यय होता है तो लवद्वा बनता है, लवद्वा पढ़ते हो ना, ये कहते ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को यहां से संधि हुई है तो लब्धा बन गया, क्या बन गया, लब्धा। क्लियर, अब देखिएगा एक और मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, इस जगह इस चीज को यहां पर रखिएगा, दुई धातु प्लस धा, दुई या धम कर लीजिएगा। ठीक, हा कहां है, तो हा हा कहां पर है, इसमें कहीं है, ये रहा पहले में, तो इस हा को गा हो जाएगा, तो गा हो जाएगा तो बन जाएगा दुग्धम। ठीक, तो ये दुग्धम बन गया। इतने उदाहरण आप कर लीजिएगा, अपदांत जसत संधि के बाहर नहीं जाएगा। तो यहां पर आपकी जो है जसत संधि इतनी बड़ी है, आसान नहीं है, वैसे आप लोग कहीं भी पढ़ोगे तो कहोगे अरे यार ये जसत संधि बहुत अच्छे से आती है, आती नहीं है, इस प्रकार से आप करिए जो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो अपदांत जो संधि थी यहां पर आपने जसत्व संधि को बहुत ही अच्छे से आपने पदांत और अपदांत को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने जाना समझा और जसत्व संधि समाप्त। आगे में हम लोग चर्चा करेंगे, चरत संधि की बात करेंगे, अनुनासिक की बात करेंगे, एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी नेक्स्ट वीडियो में सारी संधि आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाए। देखेंगे, अगर ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नोट कर लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको डेली डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।